अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुडे द टॉपिक इज़ एंड्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। दैट मींस कि रियासत की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सी वजूहात थी कि लोगों को ये सोचना पड़ा कि देर शुड बी एन इंस्टीट्यूशन लाइक स्टेट। देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज आर थियोरीज अबाउट स्टेट लाइक आइडियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और इंडिविजुअलिज्म। द प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिस्ट थियोरी से दैट स्टेट इज इनएविटेबल फॉर द पीपल टू लिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। दे मेक इट कंपल्शन फॉर द इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश अ स्टेट। आइडियलिस्ट स्टेट को अहमियत देते हैं बनिस्बत इंडिविजुअल को, क्योंकि इनका कहना है कि अगर रियासत है तो लोग आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से अपने मुल्क में रह सकते हैं, और अगर ये ना हो तो इन पर कोई भी बरौनी ताकत आकर हमला कर सकती है और उनके जायज़ बुनियादी हकूक स्लिप कर सकती है। फाशिस्ट हैज़ एन अफिनिटी विद आइडियलिज्म। फाशिस्ट आल्सो आर इन फेवर ऑफ आइडियलिज्म। अफलातून और अरस्तु के बाद जदीद दौर में जर्मन फलसफियों जैसा कि हेगल, कांट और यूरोप के माहरीन सियासियात जैसा कि ब्रेटले और ग्रीन ने इस आइडियोलॉजी की हिमायत की है आइडियलिज्म की। इन तमाम माहरीन ने रियासत को एक आला और बरतर अदारा करार दिया है। आइडियलिस्ट सेज दैट रियासत अफराद की शिनाख्त का ज़रिया है, इसलिए रियासत पूरे माशरे में आला और बरतर मुकाम का हामिल इदारा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आइडियोलॉजी आर थियोरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। द फेमस प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस व्यू पॉइंट्स आर बैंथम, ऑस्टन, जेम्स मिल। द प्रोफाउंडर्स ऑफ दिस थियोरी बिलीव्ड इन लिमिटिंग द स्फीयर ऑफ स्टेट एक्शन। दे वेरी अप्रिशिएबली एक्सप्लेन द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ स्टेट। ये जो थ्योरी है ये आइडियलिस्ट थ्योरी के अगेंस्ट पेश की गई, क्योंकि इसके ख्याल में आइडियलिस्ट थ्योरी अफराद की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जबकि यूटिलिटेरियनिज्म अफराद को अहमियत देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि फ़र्द से अफराद बनते हैं ना कि अफराद से फ़र्द। लिहाजा बैंथम जो था वो इस अहमियत को ख़त्म होते ना देख सका और इसने यूटिलिटेरियंस का जो कॉन्सेप्ट था उसने पेश किया, क्योंकि इनका कहना है कि हर इंसान सिर्फ यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशी और सुकून से गुजरे, और वो इसकी तलाश के लिए दिन रात मेहनत भी करता है। So they say that the real happiness cannot be get by individual happiness, बल्कि इज्तमाई फलाह व बहबूद के साथ ही हकीकी खुशी हासिल की जा सकती है, क्योंकि इस तरह हर शख्स स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उसके दुख सुख में शरीक होते हैं। So in short that utilitarianism takes the state as a पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द इंडिविजुअलिज्म। दे टोटली निगेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट। दे रिगार्डेड स्टेट एज अ नेगेटिव इंस्टीट्यूशन विच टेक्स अवे द लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेलफेयर फंक्शंस। आइडियलिज्म वाले क्या कहते थे कि स्टेट is more important than an individual। utilitarianism वाले दोनों को अहमियत देते हैं कि दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हैं। अभी जो individualism है ये जो है totally opposite है idealism के, कि इसने state का जो एक institution है उसको एक negative way में पेश किया है, कि इससे जो है इंसान की जो liberties हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।
कि लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उस स्टेट के अंदर रह के काम करना पड़ता है, इस तरह जो उनकी जायज़ या जो हकीकी खुशी होती है वो अपनी हासिल नहीं कर सकते हैं। इन इंडिविजुअलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू द ओनली फंक्शन ऑफ स्टेट हैज़ बीन कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है एंड नथिंग एल्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड रियल पर्पस। एक वेलफेयर स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट जो वसी पैमाने पर माशी फलाह बहबूद का ज़रिया बनती है। ज़रूरत के वक्त वेलफेयर स्टेट शहरियों की मदद करती है। लास्की कहता है कि रियासत का हकीकी मकसद अफराद रियासत के लिए वसी पैमाने पर फलाह बहबूद करना है। तो फलाही रियासत या वेलफेयर स्टेट एक ऐसी स्टेट हो सकती है जिसमें लोगों को ज़िंदगी गुजारने के तमाम हकूक हासिल होते हैं, उन पर किसी किस्म की बेजा पाबंदी नहीं होती, उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर होती है, किसी किस्म का थ्रेट नहीं होता, लोगों को अपनी मर्ज़ी का लीडर मुंतखब करने का राइट होता है, लोगों को अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने या अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करने का राइट होता है। तो एक वेलफेयर स्टेट जो है वो ओवरऑल लोगों की भलाई के लिए काम कर रही होती है। नाउ हेयर आर सम नेसेसिटी ऑफ अ स्टेट, कि जो स्टेट है, जो स्टेट का जो एक इदारा है उसको क्यों, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों उसको इस्टेब्लिश करने का मकसद नज़र आया। स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है कुदरती इदारा है, इसे इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि ये एक कुदरती तौर पर ये इस्टेब्लिश हुआ है। स्टेट इज़ अ सोशल नेसेसिटी, के ये लोगों की एक सोशल नेसेसिटी है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि एक जो है अकेला इंसान ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ही सेज दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। हेयर इज एंड अनदर नेसेसिटी ऑफ अ स्टेट इज इकोनॉमिक नेसेसिटी। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज स्टेट रेगुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो एज टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ क्लासेस। Within the framework of economic planning, the interest of working classes especially are given due consideration. के लोगों की जो माशी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाता है। The next is state secures peace. लोगों को तहफ़ुज़ और अमन मुहैया किया जाता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बाहर से आके उन पर हमला कर देता है तो स्टेट इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि उनकी जानो माल की हिफाजत करें। स्टेट इज़ नीडिड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर। स्टेट जंग के खिलाफ मुज़ाहमत करने में भी अहम है। सो दीज वर सम नेसेसिटीज़ ऑफ अ स्टेट। एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट के बहुत से बुनियादी मकासद हैं जिनमें पहले नंबर पे है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि स्टेट में कानून की हाकमियत हो और किसी फ़र्द को बग़ैर जुर्म के गिरफ्तार ना किया जा सके और बिला इम्तियाज, जैसे कि कलर, क्रीड और जनरेशन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अ वेलफेयर स्टेट, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी establishment of justice is essential. Otherwise फिर क्या होगा कि might is right वाला काम होगा कि जिसकी के पास ताकत ज़्यादा होगी वही जो है आका बन बैठेगा। तो एक welfare state में क्या है, administration of justice होनी चाहिए। Next है conduct of foreign affairs, दूसरी जो states हैं उनके साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं, अपनी foreign policy किस तरह की मरतब करनी है। Next one is economic welfare. The modern state adopts measures of eliminating poverty. जो जदीद रियासतें हैं वो अपनी मुल्क से, अपनी सोसाइटी से पावर्टी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं। The next is public welfare.
लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान, इनको फ्राहम करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का क्याम भी एक वेलफेयर स्टेट के इसेंशियल फंक्शंस में शुमार होता है। द नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल वेलफेयर, के सियासी तौर पे भी लोगों की भलाई के लिए काम करना है। तो ये तो था आज का टॉपिक। अब हम इसकी कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं कि हम इस सारी डिस्कशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। दैट स्टेट इज़ एन एंटिटी हैविंग मोनोपोली ओवर द यूज़ ऑफ वायलेंस इन अ गिवन टेरिटरी। स्टेट इज़ अ कंपल्सरी ऑर्गेनाइजेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट मेंटेन्स लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स। स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो इनएविटेबल है, इसके बगैर कोई भी माशरा या लोग जो हैं सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट की जो अहमियत है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। थैंक यू।